नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थानों की सभी बड़ी अपडेट्स के साथ। 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें मुख्य जो विषय है उनकी परीक्षाओं के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बैठक में सीबीएसई जो है वो एक प्रस्ताव रख रही है जिसमें कोरोना के कारण जो बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे उन बच्चों को बाद में मौका दे दिया जाएगा एग्जाम में इम्तिहान में शामिल होने का। इम्तिहान के बजाय मूल्यांकन से जो है 12वीं का रिजल्ट बने, इस पर भी सरकार जो है अपनी प्रतिक्रिया रख रही है क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बन गया है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स तो फिर भी उनकी नैया दिख रही है कि शायद वो बिना एग्जाम दिए पार हो जाएंगे, पर 12th वालों के साथ क्या किए। मैंने भी इस चीज को लेकर आप लोगों के साथ लाइव डिस्कशन किया था, लाइव वीडियो रिकॉर्ड करी थी जिसमें आप लोगों की प्रतिक्रियाएं, आप लोगों की लाइव बातों पर हमने बात करी थी कि वाकई में क्या 12th क्लास के बच्चों के एग्जाम जो है वो कैंसिल कराने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जो है काफी हद तक नहीं चाहते, बच्चे जो है पढ़ नहीं रहे, उनके दिमाग में एक हो गया कि एग्जाम नहीं होगा तो पढ़ने की क्या जरूरत है। बट समस्या उन बच्चों के सामने भी आ रही है जो 10th का रिजल्ट जिनका भी नहीं आया, जिनके एग्जाम को लेकर डिसीजन नहीं हुआ, एग्जाम होगा नहीं होगा, रिजल्ट आएगा क्या होगा, और 11th की क्लासेस जो है स्कूल में चलानी शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में बताइए कि बच्चा जो है वाकई में किस तरीके से जो क्लासेस है वो अटेंड करे, क्या उसे पता है कि 10th में उसके कितने परसेंट मार्क्स आएंगे, वो साइंस ले, कॉमर्स ले और आर्ट्स ले, क्योंकि मार्क्स के आधार पर ही ये तीनों स्ट्रीम जो है हमारे यहाँ पर बच्चा चूज करता है, तो कौन सी स्ट्रीम ले बच्चा कंफ्यूज है, प्लस पास होगा नहीं होगा। ऑब्वियस है इस बार सबको पास कर दिया जाएगा, जो आपका फेलियर वाला ग्राफ है वो बहुत गिरने वाला है इस बार सभी स्टूडेंट्स का। तो उसके बाद भी स्थिति ये बन जाती है कि बच्चा 11th में क्लासेस के आधार पर ले जब उसका प्रीवियस जो पास्ट है वही क्लियर नहीं है, ये इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने आ रही है। दूसरी बात, टीजीटी सामाजिक विज्ञान के जो इंटरव्यूज होने थे वो इस बार जुलाई में अब होने की पूरी प्रबल संभावना है। परीक्षाओं पर सभी विकल्प खुले रखेंगे और सहमति का फैसला जो है वो सरकार लेगी। अब सरकार एक ओपन इंटरव्यू सेशन रखने जा रही है जहां पर बोर्ड एग्जाम को लेकर किसकी क्या सहमति है इसके विकल्प जो है लोगों से पूछे जाएंगे। ये जो सेशन हमने अपने लाइव में रखा था उसी तरीके का सेशन होगा जहां पर आप सबसे पूछा जाएगा कि आप लोग इस पर क्या सहमति दे रहे हैं। इस पर सभी के विकल्पों को विषयवार समझा जाएगा और उसके आधार पर मूल्यांकन करके ये निर्णय लिया जाएगा कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाए, ऑफलाइन कराई जाए, ऑनलाइन कराई जाएंगी तो उसकी आउटसोर्सिंग है, उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, कराई जाए नहीं कराई जाए, किस बेस पे बच्चे को जो है आगे पहुंचाया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी, वापस से गाइडलाइन दे दी कि भाई ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली है, तब तैयार हो जाओ। परंतु समस्या है कि अभी पाठ्यक्रम तो डिसाइड ही नहीं है, जब आपका सिलेबस करिकुलम ये सब डिसाइड ही नहीं है तो माध्यमिक इतने सारे कॉलेज और जो स्कूल है वहां पर ऑनलाइन क्लासेस किस आधार पर हो रही है, प्रॉपर लेसन प्लानिंग और सारी चीजें होती हैं, बट नहीं, रैंडम क्लासेस शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि इसका जो आउटपुट है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एक बड़ी खबर जो आप लोग स्कूल खुले को लेकर परेशान रहते हैं, तीसरी लहर की बात कर रहे हैं कि अगस्त से अक्टूबर तक ये संभावित जो है इसका असर बड़ा दिखेगा, अगस्त से अक्टूबर तक, यानी कि इसमें बच्चों को संक्रमित होने की जो रेशियो है वो ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये मान के चलिए कि बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोले जा सकते, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे इससे ऊपर के कॉलेजेस हो, क्योंकि अभिभावक भी कह चुके हैं, सरकार भी कह चुके हैं, पढ़ाई और बाकी चीजें से हमारे लिए बच्चे के स्वास्थ्य और जीवन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर तक एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तब तक इसका पीक रेशियो रहेगा तीसरी लहर का, जिसमें बच्चों के संक्रमण होने का रेशियो जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को कोई संक्रमण का खतरा ना फैले इसलिए स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे। जब तक प्रॉपर सभी बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर दिया जाता तब तक सरकार जो है इतना बड़ा कदम जो है वो नहीं उठाने वाली है। दूसरा, स्कूलों की फीस को लेकर बड़े अभिभावक परेशान है, बच्चे परेशान है, और दूसरी तरफ स्कूल की अपनी परेशानियां हैं कि फीस नहीं आ रही है तो वो अपनी बाकी चीजों को ओवरकम नहीं कर पा रहा है, टीचर्स की सैलरी नहीं दे पा रहा है। तो स्कूलों की जो फीस बढ़ी है, स्कूलों ने उस बढ़ी हुई फीस को लेकर जो उनका आदेश था वो वापस ले लिया है। सरकार ने आदेश के अनुपालन में एलपीसी और सीएम दोनों ने कहा है कि कोई भी स्कूल जो है वो फीस नहीं बढ़ाए। के कमेंट्स और आप लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बेहद महत्वपूर्ण है कि वाकई में ये स्कूलों को फीस बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि दो साल से वो फीस नहीं बढ़ा पाए, वो किसी नुकसान में जा रहे हैं और मतलब पेरेंट्स जो हैं वो भरपाई कर देंगे। अपने कमेंट जो है आप इस बात को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। स्कूल जो है वो अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते, स्थिति ऐसी नहीं है, कंडीशन जो है वो इतनी खराब है, जॉब
की सिक्योरिटीज़ नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, फिर से एक लंबा लॉकडाउन, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट जॉब वाले लोग ही जो है वो एक सेफ जोन में होते हुए दिखाई दे रहे, अदरवाइज लोगों को उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसे में ये सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई भी स्कूल जो है अपनी फीस गाइडलाइंस जो है वो उसमें इंक्रीमेंट नहीं करेगा। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है। प्रदेश में जितने भी माध्यमिक कॉलेज हैं इनका विवाद खत्म होने का नाम ही ले रहा है। 9वीं परीक्षा के जितने भी विषयवार अंग के मामले के आधार पर जो कॉलेज है, जो 11th क्लास है या जो आगे की पढ़ाई है, उन्हें प्रमोट करने की बात कही जा रही है। बोर्ड ने कहा है कि कॉलेज संचालनों में जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछा गया और मार्च 2020 में जो ये टारगेट पूरा किया गया इसके आधार पर क्या इंतज़ाम और क्या ऐसा कहा जा रहा है कि जिसके पूरी कैलकुलेशन पे हम बच्चे को प्रमोट कर दें, उसका असेसमेंट कैसे करें। इतने सारे स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं, ऐसे सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर प्री बोर्ड ही नहीं हुए हैं, तो उस स्थिति में कैसे आगे जो है इसको प्रमोट किया जाएगा। मेघावी जो हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कहा जा रहा है उन्हें मौका दिया जाएगा। अगर बात करते हैं यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के प्रमोट होने पर सबसे अधिक जो चिंतित मेघावी छात्र छात्राएं हैं उन्हें कैसे अंक मिलेंगे, वो तो टॉपर्स रहते हैं ना, तो उन्हीं किस आधार पर इवेल्युएट किया जाएगा। इस पर यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के तहत निर्णय जो है वो ले सकता है। यदि कोई मेघावी अपने अंकों में संतुष्ट नहीं होता तो वो फिर रिटर्न एग्जाम दे दे। ये बहुत ही बेस्ट मतलब आउटपुट निकाला है कि आपको एक एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे इंटेलिजेंट बच्चों को, बट किसी सुपर इंटेलिजेंट के अंदर कोई ज़बरदस्त वाला कीड़ा निकलता है कि भाई नहीं, ये मार्क्स जो है वो मुझे नहीं समझ में आए हैं तो क्या करना चाहिए, मुझे तो रिटर्न एग्ज़ाम देना चाहिए, फिर मैं अपने मार्क्स का इंप्रूवमेंट करूँगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो यूपी बोर्ड देने की बात कर रहा है। सभी वीवी के शैक्षिक पदों पर समान चयन प्रक्रिया होगी। उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों पर नियुक्ति के लिए समान चयन प्रक्रिया लागू की जाएगी। सहायक अध्यापक पद के लिए भर्ती लिखित परीक्षा से होगी और 20 अंकों की होगी। साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं के साथ शैक्षिक कौशल प्रस्तुतिकरण भी जो है वो करना होगा। जितने भी कॉलेज में एग्जाम होंगे उसकी में जो भी होगा वो रिटर्न एग्जाम के आधार पर होगा। अब साफ तौर पर अल्टीमेटम सभी बच्चों को मिल चुका है, आप लोग भी तैयार हो जाइए। चैनल के माध्यम से भी मैं यही सूचना आप लोगों को देना चाहूँगी कि अब बहुत हो गई आपके घर में खूब मौज मस्ती, अब आपकी ई पाठशालाएँ जो है, ई क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो चालू हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर तैयारी कर लेनी है। अभी तक अगर आपके पास प्रॉपर गैजेट्स नहीं है, प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अब आपको उसकी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि अब एक लंबे समय तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी और उसी के बेस पर आपको अपनी सारी चीज़ें सीखनी है। तो उसके लिए आप अपनी प्रॉपर तैयारी कर लीजिए, प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि दिस इज़ द अल्टीमेट सोर्स। स्कूल खुलने को लेकर आप जो परेशान रहते हैं, इस सेशन में स्कूल जो है वो नहीं खुलने वाले। और छोटे बच्चों की बात करूँ तो छोटे बच्चों के स्कूल जो हैं वो अब अगले साल ही खुलेंगे, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अभिभावकों की मजबूरी है और शुल्क जो उनकी एग्जाम फीस है वो चुकाना भी उनके लिए बेहद ज़रूरी हो गया, क्योंकि स्कूल मानने के लिए तैयार नहीं, बट स्कूल भी क्या करें, उन्हें टीचर्स को सैलरी देनी है। बट ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो पूरी फीस की वसूली कर रहे हैं परंतु उसके बाद भी शिक्षकों को पूरी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन स्कूलों को क्लियर अल्टीमेटम दे दिया गया कि आपको टीचर को सैलरी देनी, और टीचर्स को भी अपने लिए आवाज उठानी होगी, क्योंकि वो इस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं और पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं कि अगर आप पूरी फीस दे रहे हैं तो हम लोगों को पूरी सैलरी क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज्यादा इनजस्टिस और सबसे ज्यादा जो सहना पड़ा है वो प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को। तो दिस इज ऑल अबाउट जितनी भी कवरेज थी स्कूल और कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की सभी बड़ी अपडेट, ऐसी बाकी सभी बड़ी अपडेट्स मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेती आऊँगी। साथ ही साथ ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी समस्या है और ऐसी और न्यूज़ देखने के लिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। स्कूल खुलने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, वो भी आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करते चले। ये मेहनत, ये एफर्ट जो सारा कलेक्शन ऑफ डाटा होता है उसके लिए मैं जरूर आप लोगों से कहूंगी कि आप वीडियो ऐसे ना छोड़ के जाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल।